प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के मामले की जांच चल रही है। केंद्रीय टीम डीजीपी सहित आईपीएस अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। पीएम की सुरक्षा के खतरे को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने इसे सुरक्षा में चूक का मामला मानने से इनकार कर दिया है। किरण बेदी ने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा है, यह किसी लापरवाही की ओर इशारा नहीं करता है, बल्कि पहले से इसके स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीएम के दौरे के समय न तो डीजीपी उपस्थित रहे और न ही गृह सचिव वहां मौजूद थे, यहां तक कि जिला के डीएम भी वहां से गायब थे। तो क्या इसे पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मानना चाहिए या फिर इसे पहले से योजना बनाकर की गई साजिश कहा जाए? उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये सारी घटनाएं स्पष्ट तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ एक साजिश की ओर इशारा करता है। किरण बेदी के इस ट्वीट के बड़े मायने निकाले जा सकते हैं। बेदी एक काबिल आईपीएस अधिकारी रही हैं। उन्होंने अलग अलग समय में कई जिलों में काम किया है। उनके समय भी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर मसले आए होंगे और वे जानती हैं कि किसी प्रधानमंत्री के दौरे के समय आईपीएस अधिकारियों की क्या भूमिका होती है। ऐसे में किरण बेदी ने जिस साजिश की ओर इशारा किया है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के जिस क्षेत्र में पीएम मोदी के काफिले को करीब 20 मिनट तक रोका गया वो पाकिस्तान से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें प्रदर्शनकारियों ने ऐसी जगह चुनी जहां से तुरंत वापस नहीं जाया जा सकता था। पुल पर पीएम के काफिले को रोकने के कारण ही साजिश की संभावना बढ़ गई है। चूंकि पिछले कुछ समय से पंजाब में खालिस्तान आतंकियों का असर भी बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री के दौरे का विशेष ध्यान रखना चाहिए था। राज्य के बड़े अधिकारियों और पंजाब के सीएम को ऐसे समय में सतर्क रहने की ज़रूरत थी, लेकिन न तो पंजाब के डीजीपी ने इस बात को समझा और न ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। अगर अंतिम समय में प्रधानमंत्री के रूट में परिवर्तन किया गया तो किसान उस समय सड़क को जाम करने कैसे पहुँच गए, और अगर उन्होंने पहले से सड़क जाम करने का प्लान बनाया हुआ था तो पीएम के सड़क मार्ग से जाने की योजना बनाने के बाद सीएम को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए था। उन्हें पुलिस अधिकारियों को सतर्क करना चाहिए था और राज्य के खुफिया विभाग से इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके कारण पंजाब की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में पड़ती नजर आ रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।